कुछ लोग होते ही इतने खास और नायाब है कि वो भीड़ में भी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, चाहे तो अपने डोमिनेंट पर्सनालिटी की वजह से या कोई यूनिक टैलेंट की वजह से या एक यूनिक बॉडी फीचर की वजह से, जिन्हें आप एक बार देख लो तो इनके बारे में सोचे बगैर आप रह ही नहीं सकते। वेलकम टू आर के सिमुलेशन। सुल्तान कोहसैन 1982 टर्की में जन्मे सुल्तान कोहसैन को आज पूरी दुनिया जानती है, और जाने भी क्यों ना, टर्की में जन्मे सुल्तान कोहसैन आज पूरी दुनिया के सबसे लंबे इंसान है। अगस्त 2009 को सुल्तान कोहसैन ने दुनिया में सबसे लंबे इंसान होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया 8'3" हाइट के साथ। हम आपको ये बता दें, इनकी एक खास हाइट जेनेटिकली नहीं है, यानी कि इनके पेरेंट्स की दी हुई नहीं है, ये एक रेयर डिजीज है पेट्रियोटिक ग्लैंड में ट्यूमर, जिसकी वजह से इन्हें एक्रोमैक्लिन नाम की एक बहुत रेयर डिजीज है, जिसकी वजह से इनकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि 10 साल की उम्र तक इनकी ग्रोथ नॉर्मल बच्चों की तरह ही हो रही थी, लेकिन अचानक से इनकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ने लगी। वो तो कहीं समय रहते इनकी बीमारी का पता लगा लिया गया और डॉक्टर द्वारा इनकी हाइट रोक दी गई, वरना और भी कहीं लंबे हो जाते और इसकी वजह से इन्हें कहीं परेशानी भी होती। खैर, वो तो इन्हें अभी भी होती ही है, जो कि आप खुद ही देख सकते हैं। इन्हें बैठने से लेकर चलने तक डेली रूटीन के हर काम में कितनी ही प्रॉब्लम होती है। इतनी परेशानियों के बावजूद भी सुल्तान कोहसैन 2 दफा अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दाखिल करा चुके हैं, पहला तो अपने इतनी लंबी हाइट के लिए और दूसरा अपने हाथ के पंजों की लंबाई की वजह से। रॉबर्ट बॉब्रोस्की। रॉबर्ट के फादर रोमानियन बास्केटबॉल टीम के बहुत ही शानदार खिलाड़ी थे और वो रॉबर्ट को ये बास्केटबॉल सिखाना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने केवल 5 साल की उम्र से ही रॉबर्ट को बास्केटबॉल सिखाना शुरू कर दिया, और 12 साल की उम्र आते आते रॉबर्ट की हाइट अपने पापा से भी बड़ी हो गई, जिसके बाद इन्हें डॉक्टरों को दिखाया गया। हालांकि शुरू शुरू में डॉक्टरों को भी लगा कि रॉबर्ट को दूसरे लंबे होने वाले लोगों की तरह शायद कोई हार्मोन डिजीज है, बाद में उन्हें पता चला ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि रॉबर्ट की हाइट तो जेनेटिक वे में ही बढ़ रही है। रॉबर्ट के पेरेंट्स की हाइट भी कुछ खास छोटी नहीं थी, फादर की हाइट 7'1" और मदर की हाइट 6'। रॉबर्ट बास्केटबॉल तो शुरू से ही खेल रहे थे, लेकिन 14 साल की उम्र में एक इटालियन बास्केटबॉल क्लब ने उन्हें नोटिस किया, जिसके बाद ही इटली शिफ्ट हो गए और वहां पर इन्हें US ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर ने इनके टैलेंट को पहचाना और ये एक कदम इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक खेलने के और पास आ गए, और अभी रॉबर्ट एक इंस्टीट्यूट लेवल पे बास्केटबॉल खेल रहे हैं और इनका नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बनने का सपना अब ज्यादा दूर नहीं है। रॉबर्ट का सपना पूरा करने में इनकी 7'7" की हाइट का भी बहुत बड़ा रोल है। एकाटेरिना लिसिना। तो अब आप मिले रूस की रहने वाली एकाटेरिना लिसिना से। ये दुनिया की सबसे लंबी मॉडल और दुनिया की सबसे लंबे पैरों वाली औरत हैं। इस ही वजह से ये एक नहीं 2-2 दफा अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दाखिल करा चुकी हैं। इनकी हाइट 6'9" है, और अगर बात की जाए इनके पैरों की हाइट की तो इनके पैरों की हाइट 3'8" है, जहाँ पर इनके पैर इनकी आधी बॉडी से भी ज्यादा बड़े हैं। और तो और ये बास्केटबॉल प्लेयर भी हैं, जहाँ पर इन्होंने अपने देश के लिए काफी सारे मेडल जीते हैं, और 2006 में तो इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था। उसके बाद 2008 में होने वाले ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीत के अपने देश का नाम रोशन किया। हालांकि अब इन्होंने बास्केटबॉल छोड़ दिया है और अभी अपना ज्यादातर समय अपनी फैमिली के साथ ही बिताती हैं। और इनका ये भी कहना है कि जो इनकी हाइट है ये इनके पेरेंट्स के द्वारा ही आई है, क्योंकि इनके पेरेंट्स की हाइट भी खासी लंबी। इब्राहिम टाकियोला। अभी तक आपने देखी थी दुनिया की सबसे लंबी टांगों वाली औरत, तो ये हैं दुनिया की सबसे लंबी टांगों वाले आदमी। हालांकि जो भी शख्स इब्राहिम से मिलता है वो उसकी नजर इनकी टांगों की तरफ जाती ही नहीं, वो इनकी हाइट देखकर ही हैरान हो जाता है, क्योंकि इनकी हाइट 8'1" लेकिन इनकी इस लंबी हाइट की वजह से इन्हें अपनी लाइफ में काफी चीजों को करने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कार की फ्रंट सीट पे फिट ना हो पाना या लिफ्ट में झुक के जाना या चलते हुए तकलीफ होना। इब्राहिम इस वक्त पेरिस में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और वो अपने इस लंबे पैर वाले रिकॉर्ड के लिए बहुत खुश भी हैं, क्योंकि वो शुरू से ही फेमस होना चाहते थे और वो इस रिकॉर्ड के बाद बहुत फेमस हो गए हैं। रडाउने चार्बिब। अब ये होता है असली जाइंट, क्योंकि जहाँ पर इनकी हाइट 7'9" है वहीं पर इनका वजन 190 किलोग्राम है, जो भीड़ में इन्हें सबसे अलग दिखाने में इनकी मदद करता है। दूसरे लंबे लोगों की तरह ये भी बास्केटबॉल खेला करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने बास्केटबॉल खेलना छोड़ दिया क्योंकि इन्हें मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आने लगी थी। लेकिन अब इनका कहना है कि बास्केटबॉल छोड़ना इनकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी, जिसकी वजह से अब इन्हें पछतावा भी हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यार मुझे एक बात कमेंट में जरूर बताना कि मेरी वॉइस की क्वालिटी पहले से इम्प्रूव हुई या नहीं हुई, और प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर दिस वीडियो, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूं, पहले की तरह ना करूं कि मैंने एक वीडियो डाली उसके 2 महीने बाद एक वीडियो डाली, कंटिन्यूसली वीडियो डालने की कोशिश करूंगा।